किस विषय को लेकर आज आना हुआ इधर? ये जो आज यहाँ पे हेलावाड़ी मस्जिद है, यहाँ के कुछ लोगों की इच्छा थी कि हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, और हम लोग इनसे मिलना इसलिए भी चाहते थे कि कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, तो इनको हमें कुछ समझाइश भी देना थी, और इन लोगों ने आज हम लोगों का स्वागत किया तो वो भी अच्छा लगा, और इनने हमारी बात को सुना भी है, और इसीलिए हम इनसे कह रहे हैं कि जितना घर के अंदर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आज का जो माहौल है उस माहौल में परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि अपने आप को बचाना है तो घर के अंदर रहना जरूरी है, तो इसलिए मैं सबसे एक गुजारिश भी कर रहा हूँ कि आप जितना घर के अंदर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, कोई अगर बाहर का आ जाता है गलती से आ जाता है तो उसकी सूचना समय पे देंगे तो आप परेशानी से बचेंगे, क्योंकि अगर वो आ जाता है तो कई तरह की अफवाह फैलती है और उससे पूरे मोहल्ले और पूरे समाज का ऊपर उंगली लोग उठाते हैं, अगर आप समय पर सूचना दे देंगे तो उससे आप इन सब परेशानियों से भी बचेंगे और हमको भी उसमें बहुत सहयोग मिलेगा। ओके थैंक यू सर। ना चाहेंगे आप बस्ती वाले और नगरवासियों को? नगरवासियों में को यही बताना चाहूँगा कि जैसा विगत एक साल एक महीने से हमें सहयोग दे रहे हैं, वैसे ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, मेरी ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से सहयोग बनाए रखें, खासकर शाम के टाइम जब आप बाहर निकलेंगे तो उस पर डिस्टेंस से ध्यान रखें, और कम से कम बाहर निकले, और सर ने जैसा बताया है कि बाहर वाले जो भी अपने मेहमान आ रहे हैं इस समय लगभग ये समझ के आप आए कि बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं कोई पीड़ित हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तत्काल सूचना दें ताकि हम आपको भी सुरक्षित रख सकें, आने वाले को भी सुरक्षित रख सकें, और उसका मेडिकल करा के और उसकी हिस्ट्री हम पता कर लें जहाँ से वो आया है, तो समय पर सारे काम हो जाएँ, इसलिए फिर से रमजान की शुभकामनाओं के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की सावधानी रखेंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद।